सीआईए स्टाफ ने अलग अलग स्थानों से 4 किलोग्राम चरस की खेप सहित 2 तस्करों को काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीआईए प्रभारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि एक आरोपी को पुलिस ने नीवी चक्की के पास नाकाबंदी कर काबू किया, जिसकी पहचान अरुण कुमार निवासी नीवी चक्की के तौर पर हुई है और पुलिस ने उसके कब्जे से 3 किलो चरस की खेप बरामद की है। वहीं दूसरे आरोपी को मकसूदा सब्जी मंडी के निकट से काबू किया गया है, जिसकी पहचान अभिलाष निवासी जलंधर कैंट के तौर पर हुई है और पुलिस ने उसके पास से 1 किलो चरस बरामद की है। फिलहाल दोनों आरोपियों पर थाना नंबर 1 में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीपी साहब ने निर्देश हेठ जी नशे ठल पाने फटन के लिए बिटी मुसीम के तहत ASI मोहन सिंह ने पटेल चौंक नाका लगाया जी, जिथे दोषी अरुण कुमार जिन्हें हाथ में कोई वजनदार चीज फड़ी सी उसने शक के आधार से रोकया तो चेक किया, वो 3 किलो जी चर्स जी ने बरामद की है, तो 2 नंबर परचा दर्ज किया। इस तरह ही ASI रणजीत सिंह ने मकसूदा सब्जी मंडी के नाका लगाया से तो आ जाए जो चक्की व्यक्ति ने चेक कराया जो राम विलास है जो दोषी हैगा उन्होंने फड़ के वो 1 किलो चर्स जी बरामद की है। जी चर्स हैगी है दिल्ली साइड तो लैके इतने आके जो रास्ते जो आम जो प्रवासी जोड़े है उन्होंने जो बेचते हैं, नहीं पहला कोई परचा दर्ज नवे काम शुरू किया। 1 लाख रुपये किलो के हिसाब के नाल है